खबरों में आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के वागड़ दौरे की, जहां सीएम राजे विजया राजे ऑडिटोरियम में डूंगरपुर विधानसभा क्षेत्र के लोगों से संवाद कर योजनाओं की जमीनी हकीकत से रूबरू हो रही हैं। राजे ने विजया राजे की प्रतिमा पर भी पुष्प अर्पित किए। इस दौरान सीएम राजे ने सरकारी योजनाओं के लाभार्थियों और बुद्धिजीवियों से संवाद भी किया। इस दौरान मंत्री श्रीचंद कृपलानी सहित स्थानीय विधायक भी मौजूद रहे। इससे पहले राजे ने श्रीनाथ मंदिर में पूजा अर्चना कर अपने दो दिवसीय दौरे की शुरुआत की। यहां राजे ने साधु संतों और धार्मिक गुरुओं को शॉल उड़ाकर श्रीफल भेंट कर उनका अभिनंदन स्वीकार किया। इस पर सीएम राजे को विजयी होने का आशीर्वाद भी मिला। इसके बाद राजे ने महाराणा प्रताप की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया और इस दौरान राजपूत समाज ने सीएम राजे का स्वागत भी किया। इसके बाद राजे गैप सागर का अवलोकन करने पहुंची थी, जहां उन्होंने कलेक्टर एसपी से विकास योजनाओं का फीडबैक लिया। इसके बाद राजे ने जनता को कई विकास योजनाओं की सौगातें दी हैं। वहीं मुख्यमंत्री राजे ने आंगनबाड़ी सेंटर के अंदर बच्चों को दूध वितरण योजना का आगाज किया है। साथ ही प्रतिभावान छात्राओं को स्कूटी वितरित की गई। तो ये पांच तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं दो दिवसीय मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे का डूंगरपुर का दौरा, और इस दौरान शुरुआत जहां श्रीनाथ मंदिर में पूजा अर्चना कर हुई, उसके बाद धार्मिक बुद्धिजीवियों से मुलाकात की गई, उन्हें शॉल भी भेंट की गई। मुख्यमंत्री इस दौरान जहां दुग्ध योजना के तहत कई बच्चों को दूध पिलाती भी नजर आई, जहां इस योजना की शुरुआत मुख्यमंत्री की ओर से की गई है अपने हाथों से। सीएम ने इन आंगनबाड़ी के बच्चों को दूध पिलाया। साथ ही मुख्यमंत्री ने यहां सरकारी योजनाओं के लाभार्थियों से भी मुलाकात की। तो आज पहला दिन है सीएम राजे के डूंगरपुर दौरे का। करोड़ों के विकास कार्यों की सौगात इस दौरान डूंगरपुर को दी जाएगी। सीएम के डूंगरपुर में मौजूद रहने पर जहां अधिकारी और तमाम नेता भी सीएम के काफिले में शामिल हैं। पांच तस्वीरें आपके सामने, सीएम सुबह के वक्त डूंगरपुर पहुंची, जहां शुरुआत मंदिर में पूजा अर्चना से की गई और उसके बाद सीएम ने महाराणा प्रताप की मूर्ति पर पुष्प अर्पित भी किए और वहां से राजमाता विजयाराजे सिंधिया ऑडिटोरियम सीएम पहुंची, जहां स्कूटी वितरण से लेकर उज्ज्वला योजना तक के लाभार्थियों से सीएम ने संवाद किया।